नगर के एक निजी स्कूल के संचालक ने जानबूझकर 8 बच्चों को कक्षा 5वीं और 8वीं की मुख्य परीक्षा से वंचित रखा, जिसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई। खबर का असर होते ही जिला, ब्लॉक और संकुल स्तर की संयुक्त टीम ने जांच की, जिसमें अनेक अनियमितताएं उजागर हुई है। विभाग ने बच्चों को परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। शनिवार को नगर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के कक्षा 5वीं और 8वीं के 8 छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। यह मामला उजागर हुआ था, जिसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। शासकीय अवकाश होने के बावजूद भी रविवार को जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक एसपी सिंह जाटव, कुरवाई बीआरसी अनुप तिवारी, संकुल प्राचार्य डॉक्टर गौरी गोस्वामी, बीएससी गोपाल पंथी और जन शिक्षक रविंद्र साहू, संदीप यादव, रविकांत रिझारिया की संयुक्त टीम ने सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पिंटू पंथी और स्कूल संचालक आदित्य वाजपेयी की मौजूदगी में स्कूल के अभिलेखों की जांच की गई। जांच के दौरान स्कूल के संचालन और प्रबंधन में कई कमियां उजागर हुई है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ये जो वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं एवं 8वीं की हो रही है, तो कल ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि करीब 6 बच्चे 5वीं के और 2 बच्चे 8वीं के उनको प्रवेश पर जारी नहीं किया गया और परीक्षा में नहीं बैठाया गया। जब यहाँ पर ये जांच की गई तो ये मालूम चला कि ये सभी बच्चे 6 जो कक्षा 5वीं में 5वीं से वंचित रह गए हैं, ये कक्षा 6वीं में परीक्षा फल पत्र के अनुसार एनरोल होना चाहिए, क्योंकि पिछले सत्र 2021-22 में ये सभी बच्चे कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हैं और सभी बच्चे ए ग्रेड हैं। लेकिन जब रिकॉर्ड में ये देखा गया कि उन सभी 5 बच्चों के नाम इनके छात्र उपस्थिति पंजी में कक्षा 5वीं में एनरोल्ड हैं, इनकी उपस्थिति भी भरी आ रही है पढ़ने। अच्छा, कौन से स्कूल का मामला है सर ये? ये है सेंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल पठारी। तो स्कूल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई होगी? अभी इसकी जांच बैठाई जाएगी, विभागीय जांच होगी और जांच के बाद जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का क्या होगा? बच्चों के लिए जो 6 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए थे, बुलवाए थे, उनके पालकों और बच्चों की सहमति से इन बच्चों को कल परीक्षा में बैठाया जाएगा। इनके रोल नंबर जारी हो जाएंगे आज रात में। वो बच्चों का जो एक पेपर निकल गया है उसका क्या होगा? एक जो पेपर निकल गया है, जब सप्लीमेंट्री परीक्षा होगी उसमें उनको बैठाया जाएगा। नारायण कुशवा मेरी बालक का इनमें सेंट मेरी स्कूल में आया था प्रवेश पत्र लेने के लिए। परसों के दिन पेपर था 5वीं का, इनने प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया। फिर हम लोगों ने कंप्लेंट की, फिर आज ये जांच आई हैगी विदिशा से। जांच में क्या हुआ था? जांच में ये हुआ का ये सर बोल रहे हैं कि परीक्षा में कल बालक बैठे। कौन से स्कूल में पढ़ता था बालक? सेंट मैरी स्कूल में। प्रवेश पत्र क्यों नहीं दिया गया, क्या कह दिया गया? ये स्कूल की ये मतलब जांच में जो भी पाया गया होगा वो तो वही जानेंगे। क्या मामला है, आप यहाँ क्यों आए? मामला इसलिए ये है कि इसलिए आए सेंट मैरी, मेरा बालक पढ़ता सेंट मैरी में। तो क्या हुआ, कल परसों प्रवेश पत्र लेने के लिए हम लोग आए, हमारे बालक की परीक्षा है बोर्ड की। तो बोले कि प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। मैंने क्यों नहीं मिलेगा? तो ये बोले कि अल्लाह जी तुम्हारा बच्चा पास हो गया है। वहाँ फिर हमने शिकवा शिकायत की तो जांच लोग भी आए, आज ये रिजल्ट हुआ है तो तुम्हारा बच्चा पास हो गया है और ये 6वीं में है, उसकी अनुसूची 6वीं की बनाई गई है। तो हमारा बच्ची कल पेपर था इंग्लिश का, वो बोर्ड का था, वो हमारा बल बालक का नवोदय फॉर्म डाला है, इसलिए वो जांच को बोला। जांच चल रही है और भी बहुत बच्चे निकल रहे हैं। क्या नाम है आपके बालक का? फूल सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी 5th पढ़ रहा है। कहाँ से आते? ग्राम भानोरा से। कब से यहाँ पे स्कूल में? 9 साल से हमारे 3 बालक हैं। इसकी पकड़ आइएगी इसमें, इसलिए हम आए। इसकी लापरवाही कब उजागर हुई? लापरवाही तो परसों नहीं दिया तो हमें शंका हुई, कुछ बात है, इसलिए हम कल लोग आए थे पेपर देने। तो वहाँ गए थे पेपर देने के लिए, उन्हें प्रवेश नहीं मिला, सो उनको भी वापस कर दिया था स्कूल से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।